लगने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। बस 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 अब बहुत हो गई, मेरी तो जैसे किस्मत ही सो गई। अरे वाह सही वाह, ये तो शेर बन गया है, क्या कोई शायरी की किताब पढ़ रही हो? ओ, चुप करो, तुम्हारी जबान बहुत लंबी नहीं हो गई? अरे बाबा लंबी जबान हो गई है तो क्या उससे हॉकी खेलूं? बकवास बंद करो और मुझे ये बताओ तुम्हारी बहन कब जा रही है आखिर गाँव? बाबा वो तो शायद हाँ आम हो के अगले सीजन तक चली जाएगी। जी नहीं तो उसे कल ही कल भेजोगे गाँव, मेरी बस हो गई है। अरे अरे, अरे हर वक्त लड़ते ही रहते हो, दो ऑर्डर आए वो भी सुकून से नहीं करने दे रहे। जानी तुम ही बच्चों को समझाओ ना, तुम इसे समझाओ, बता दो इसे कि अगर इसे मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं मर जाऊंगी, मगर इसे बात नहीं करूंगी। मरने के बाद कौन बात करता है? जानी अगर हुआ क्या? अरे बाबा जानी तुम्हें पता है पाकिस्तानी खवातीन वो तैराकी क्यों नहीं कर पाती हैं? क्यों? अरे बाबा तैराकी करने के लिए ना मुंह बंद करना पड़ता है। बच्चू बात सीखी है वैसे। चुप कर जानी, अब तुम ही बताओ ना कि इस जरीना को कैसे भगाएं? इस तरह तो वो जीत जाएगी। और ऐसा भगाने की बात नहीं करी, इस घर से कैसे भगाएं? अरे मेरा बस चले तो मैं दोनों को ही भगा दूं। हैं क्या? अरे मेरा मतलब है मैं भी यही सोच रहा हूँ कि कैसे भगाया जाए। तो फिर कोई हल निकालो ना। क्या निकाल रहे हो? हल। ओहो बस करो, इधर आओ बात सुनिए। सर आपके लिए कौन सा मुश्किल काम है, आप तो एक्सपर्ट हैं। हाँ हाँ कोई मसला नहीं होगा। एक काम करें आप मेरे घर पे आ जाएं, इस बहाने एडवांस भी दे दूंगा और जिसको अगवा करना ना उसको भी दिखा दूं। हाँ बस आया। जानी तुम कब आई? क्या बात है जानी, तुम मुझको थोड़ा परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, कोई काम? हाँ जानी तुम तो जानते हो ना मैं तुमसे दिल लगा बैठी हूँ। दिल लगाने से बेहतर है मुंह पे क्रीम लगा लो, इससे रंग भी साफ हो जाएगा और दिल भी मुतमईन हो जाएगा। क्यों भला, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? नहीं भाई तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम सदका दिया करो खूबसूरती का। अच्छा वो भला कैसे? रोज किसी एक कुंवारे को मुस्कुरा के देख लिया करो। बाबा देखो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हें नहीं पता शादी क्या होती है? पता है, शादी दो इंसानों का ऐसा ताल्लुक है जिसमें एक आदमी हमेशा सही और दूसरा शौहर होता है। जानी मुझे पता है तुम किसी और से प्यार करते हो, तभी तो तुम किसी से फोन पे छुप छुप के बातें करते हो। एक बात बताओ, बचपन से बेवकूफ हो या अभी कोई कोर्स कर रही हो? बाबा तुमको शायद पता नहीं है, सच्ची मोहब्बत ना सरकारी नौकरी की तरह होती है जो बहुत मुश्किल से मिलती है। अच्छा देख लेना, एक दिन आएगा तुम मेरे पीछे पीछे भागोगे और मैं तुमको घास भी नहीं डालूंगी। सारी खुद खा जाओगी क्या? होगी यहाँ तो तुम घास डालोगी ना। अरे बाबा मैंने तुझे कहा है उस गांव का बड़ा ख्याल रखा कर, मेरी चैती गांव है। हाँ बाबा उसका डुप्लीकेट भी तो है ना मेरे पास शहर में। हाँ बाबा उसका ख्याल हुआ क्या है बाबा उसका बताओ तो सही, बुखार हो गया है क्या? चलो हकीम से दवाई लेकर दे दो। हाँ ठीक है बाबा ठीक है, ओके बाबा अल्लाह हाफिज। हाँ बाबा बोलो। सही नाचीस को इकबाल बोलते हैं, दूध बेचता हूँ सही, 2000 का आपका बिल है, पैसे दे दो। अरे बाबा दूध तो हम खुद बेचता है, हम किसी से दूध क्यों खरीदेगा? सही आप भले दूध ना लो लेकिन हमारा भैंस तो दूध दे रहा है ना सही। अरे बाबा तो अपनी भैंस को समझाओ ना कि बिला वजह में दूध क्यों दे रही है। सही हम तो भैंस को समझाता हूँ लेकिन क्या करे, अभी खर्चा भी तो पूरा करना ना। किसका? भैंस का? सही बीवी का, बीवी का, रोज चारा मांगती। कौन बाबा बीवी? नहीं सही भैंस, एक दिन भी सही ऊपर हो जाए ना तो लात मारती है खींच के। कौन बाबा भैंस? साई बीवी, एक दिन तो उसने मेरे गले पे पैर रख दिया साई। किसने बाबा? बीवी ने? अरे साई भैंस ने, फिर साई मैंने भी इसको रख के दिया है। किसको बाबा? भैंस को? नहीं बीवी को, फिर वो नाराज होके मैगे चली गई। कौन बीवी? नहीं बाबा भैंस, बड़ी मुश्किल से पकड़ के लाया उसको। किसको बाबा? भैंस को? नहीं बाबा बीवी को। साई पीछे से आ गए उसके भाई। किसके बाबा? बीवी के? नहीं भैंस के, फिर मैंने इसको माफ कर दिया।
अरे बाबा, किसको? बीवी को? नहीं, बीवी को, क्योंकि वो मुझे इनाम में मिली थी ना। कौन बाबा? बीवी? नहीं, भैंस। अरे बाबा, ये लो बाबा तुम्हारे 2000 रुपए और जाओ। बड़ी मेहरबानी साईं। अच्छा बात सुनो बाबा, मेरा सलाम बोलना। किसको? भैंस को? अरे बाबा, बीवी को। चरिया हो गया क्या? जाओ जाओ। अरे जा दो ना साईं, जा दो ना साईं। भैंस को सलाम बोलेगा? कौन आदमी है यार ये? जानी, मैं कमबख्त कभी टाइम पे काम नहीं कर पाई है। आया आया मैडम, आया। जी, ओहो, कुछ हुआ? कहाँ रह गए थे तुम? सारे इंतजामात हो गए, बस भालू आने वाला होगा। भालू? अरे वो तो उसको चीर फाड़ के रख देगा। अरे जंगली भालू नहीं, उसका नाम भालू है, कमाल किडनैपर है, भालू दादा। हे, ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया उसने? लो, ऐसे ऐसे कारनामे। अभी हाल ही में उसने एंजेलिना जूली को किडनैप किया। क्या? फिर? अब वाह, फिर क्या? जेम्स बॉन्ड भाई आए थे, वो छुड़ा के ले गए। सुनो, ये तुम मुझे किसी फिल्म की कहानी सुना रहे हो? नहीं नहीं नहीं, आता ही होगा, आता ही होगा। चल, अगर उसे किसी ने आते हुए देख लिया तो? कैसे देखेगा, दरवाजे से थोड़ी आता है, दीवार कूद के आता है। कूद गए? क्यों? ये किडनैपर लोग जो होते हैं ना, दरवाजों से नहीं आते, दीवारें कूद कूद के आते हैं। अगर आएगा कब? टाइम देखो क्या क्या बच्चों की दफा बुला रहा है मुझे, वो ना आ जाए, मैं उसको निपटती हूँ, तुम इसको निपटो। ठीक है। ना हो या तो आ जाएगा, आ जाएगा। अरे ये आदमी, ये स्टूल किसने रखा है? कौन हो भाई तुम? भालू दादा। भालू दादा, ये बताओ जानी कहाँ है? जानी मैं ही हूँ। किसके? लगता भाई आपकी नजर काफी कमजोर है। हाँ, नजर तो बहुत कमजोर है लेकिन काम बहुत बारीक करता हूँ। काम बताओ। अच्छा, आप एक काम करें, आइए सोफे पे बैठे, मैं आपको बताता हूँ। बिठाओ बिठाओ बिठाओ, इधर ही बैठे बैठे, बैठे, बैठे। ठीक है। बात ये है, तुम कैसे भाई हो? हाँ, तुमसे अच्छा तो वो प्लास्टिक वाला भाई होता है जो हलो हलो तो बोलता है, तुम अपनी बीवी के सामने एक लफ्ज नहीं बोलते हो। अरे बाबा, मैं कैसे बोलूं उसे जरीना, वो मेरी बीवी है। हाँ तो बाबा, बीवी को दबा के रखते हैं। कितना दबाऊं, कभी सर दबाता हूँ, कभी पैर दबाता हूँ, और क्या करूं, कभी गला नहीं दबाता है। अबे क्या हो रहा है यहाँ पे? जरूर ये पटियां बढ़ा रही होगी आपको। अरे नहीं नहीं बाबा, इसने तो कभी बचपन में सबक नहीं पढ़ा, ही पटिया पढ़ाएगी। देखा बाबा देखा, हर वक्त मुझसे जलती रहती है। अच्छा बाबा, अच्छा अब मैं समझा कि गैस का इतना बिल क्यों आ रहा है। अदा बच्चू, बस मैं गाँव वापिस जा रही हूँ। सच? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, सामान लेने जा रही हूँ, सामान लेके वापस आ जाऊंगी। तुम हमारा पीछा नहीं छोड़ सकती? अरे बाबा, आपको इससे तकलीफ क्या है? दम में की, ये जब मेरे सामने होती ना, मेरे दम घुटता, मुझे सांस नहीं लिया जाता। हो सकता है ये सस्ता वाला परफ्यूम इस्तेमाल करती हो। तुम दोनों मियां बीवी मिलके मेरा मजाक बना रहे हो। मेरा बच्चा लेना तो मैं तो तुम्हारा कीमा बना दूं, कीमा। तुम बच गई, आज मंगल है ना, छोड़ रही। बाबा मंगल, क्या बात किया। कारो मुंह, दोनों मिलके मेरा मजाक करे, बाबा भाई को बताऊंगी, देखना। अच्छा तो भालू साहब, क्या सूरत हाल है? बस टेंशन नहीं लेने का है, टेंशन देने का है। फिकर नहीं करो, बस एक काम कर दो, सानू नोट विखाओ, साडा मूड बने। नोट विखा, मूड बने, मतलब पेमेंट की बात कर रहे हैं ना? हाँ। उसकी आप टेंशन ही ना ले, ये रहे, ये 25,000 काम होने से पहले और 25,000 काम होने के बाद। अच्छा, लेकिन आप उसको बेहोश कैसे करेंगे? अपने मौजू से मारना नहीं है, बेहोश करना है। अच्छा, फिर उसके लिए तो मेरे पास दवाई है, ये रही, ये बस सुनाऊंगा। कहीं बस तो ठीक हो गया, जानी जानी करते मेरे पीछे आएगी, बस उस लड़की के मुंह पे रुमाल रख देना। ठीक है, देखो मैं असली तो है ना? हाँ हाँ, मैं दिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ये देखो, मैं चेक कर लूँ। हाँ सुनूंगा, देखो मैं। दादा दादा, क्या? अरे तुम, ओए ओए ओए, ओ भाई, ओए ओए, तो क्या अब मैं लड़की कैसे तलाश करूंगा? जानी जानी, तुम कहाँ रह रहे हो? अरे जानी जानी बोल रही है, यही हो सकती है।
जानी तुम यहाँ बड़े सो रहे हो, क्या हो गया जानी? जानी ओ जानी, जानी उठ, जानी क्या हो गया तुम? खट्टा मीठा, खट्टा मीठा। अरे गाँव मेरी, हम पर तो गमों का पहाड़ गिर गया है, दुनिया ही उजड़ गई है मेरी। वाह क्या, सीमा घर पे नहीं है बाबा, पता नहीं कहाँ चली गई है। लगता है शॉपिंग पे गई हो। अरे बाबा मैं तो उसे फोन भी कर रहा हूँ, वो तो फोन भी नहीं उठा रही। क्या? अरे बाबा फोन घर पर है ना, तो फोन उठाएगी कैसे? क्या हुआ बच्चों, इतनी इमरजेंसी में मुझे क्यों बुलाया? अरे बाबा आपको बुलाया तो इमरजेंसी में, लेकिन आप आए तो हमेशा की तरह लेट ही हो ना, आपसे बेहतर तो वो पिज्जा वाला होता है, आता तो टाइम पे। अच्छा अच्छा ये बताओ मसला क्या है? बाबा सीमा। ओहो वो तो बहुत बड़ा मसला है, किसने कहा था शादी करने को? अरे सीमा घर पर नहीं है। आजकल की औरतें तो है ही ऐसी, मजाल है कि घर पे टिक जाए। अरे बेग साहब वो खो गई है। अच्छा अच्छा वो कोई बड़ी बात नहीं है, उसके चक्कर में तो एक दो दफा हम भी खो गए थे। अरे क्या हो गया बेग साहब, दिमाग तो ठीक है? मेरा दिमाग तो ठीक है, पर आपकी बीवी ठीक नहीं है, वो आपको बगैर बताए घर से कैसे जा सकती है? अरे बाबा मुझे लगता है उसको किसी ने अगवा कर लिया है। क्या? अच्छा तुम्हें किसी पर शक है? हाँ आप पर, मेरा मतलब है कि आप कुछ करें ना। ये तो किसी अपने का काम लगता है। ये बताओ जानी किधर है? पता नहीं। तुम फिक्र नहीं करो, परेशान नहीं हो, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है बाबा ठीक है। अरे यार बड़ी कोई खतरनाक दवाई थी, मैं तो सूंघते ही बेहोश हो गया। खैर बात सुनो, जिस तरह बिल्ली को थैले में डाल के ना दूसरे शहर में शिफ्ट करते हैं, ऐसी इस लड़की को भी ना दूसरे गांव में ले जाओ, और तुम्हारी पेमेंट तुम्हारे वक्त तक पहुंच जाएगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, लड़की बहुत तेज है। ठीक है चलो शाबाश। हाँ हाँ ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। जानी ओ जानी, ओ जानी है? जानी रीना तुम कैसे आई? क्या मतलब है बाबा, मैं कहीं जाऊंगी तो आऊंगी ना। नहीं नहीं मेरा मतलब ये था कि तुम छूटी कैसे? भला कोई मैं कैद में थी जो मैं छूटूंगी? जानी अब तो बेग साहब की आवाज लग रही। आया आया बेग साहब आया। जानी अरे भाई जानी किधर हो? जानी जी 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 आया 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 जी जी बेग साहब आप तो नजर ही नहीं आ। अरे कहाँ गए मैं आजकल? क्या करूं भाई पुलिस वाला हूं ना, लेकिन आज मैं तुम दोनों से कुछ पूछताछ करने आया हूं। खैरियत तो है, किस बारे में? सीमा मैडम सुबह से घर पे नहीं है। अरे बाबा उसका जवाब मैं देती हूँ, वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर रात को वापिस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। बीबी मैं यहाँ पांचवी जमात की उर्दू पढ़ने नहीं आया हूँ, बल्कि ये बताने आया हूँ कि सीमा को किसी ने अगवा कर लिया है। लगता उल्टा हो गया, भालू दादा अंधे गलती से सीमा को उठा कर ले गया। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, होगा क्या? अब तो जो मुलव्वस होगा वो जेल जाएगा। अदा बच्चू मुझे तो ये किसी अपने का काम लगता है, लेकिन छोड़ूंगा मैं भी नहीं, देख लूंगा। अपने का अपने तो फिर अपने होते हैं, क्या हो गया ये? जानी कुछ सोच। शर्म नहीं आती तुम्हें? उम्र देखो अपनी हरकतें देखो, अकल तो है ही नहीं, मतलब जाहिल किडनैपर, किडनैपिंग करनी आती, कैसे आदमी हो तुम पागल उल्लू गधे? खुदा का वास्ता माफ कर दे, सुबह से आई है दिमाग की दही बना दी है। इसी दही से मैं तुम्हारी कड़ी बना दूंगी, एक काम ढंग से नहीं कर सकते, सारा प्लान उल्टा कर दिया मेरा। हाँ भाई तो क्या हो रहा है भाई? उस्ताद किसको उठा के ले आए, सुबह से नौकर बना के रखा हुआ है यार। ओ लड़की तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि टाकुओं से कैसे बात की जाती है? जाहिल दादा, मेरा मतलब है भालू दादा, मैं वो हूँ ही नहीं इसको उठा के लाना था। चुप करो, हर अगवा होने वाला यही बोलता है, मैं ये नहीं मैं वो नहीं। जानी ने कहा था जरीना को अगवा करना है, मुझे नहीं। तुम कौन है? तभी से बात करो। है? आप कौन है मैडम? यही तो बता रही हूँ, मैं जरीना नहीं हूँ। वाह तुम्हारी जगह जरीना होती तो वो भी यही कहती, मैं जरीना नहीं हूँ। अबे ओ अंधे बेवकूफ,
गधे जाहिल उल्लू अकल से पैदल। ये सब मुझे कह रही हो? हाँ, और जो कुछ मुझे नहीं आता ना वो भी तुम। और मेरी बात सुनो, ए छोटे तुम सुनो, मुझे ना एक ग्लास शरबत चाहिए फ्रेश जूस, हाँ फालसे का, दो बर्गर एक्स्ट्रा फ्राइज और कोल्ड स्लो जरूर डलवाना, बहुत भूख लगी है। ए लड़की, तू अगवा होके आई है, पिकनिक पे नहीं आई है? वैसे ये कौन है, फिरौन की मम्मी? ये मेरा लाल मेरा बेटा है। वाह भाई बहुत अच्छे, हाँ जैसा पूरा थान वैसा उसका कट पीस। ए लड़की तमीज से बात कर, हम ऐसे वैसे नहीं है, हम मशरकी डाकू हैं। तुम्हारी तो मशरकी डाकू मैं ना तुम्हें अभी बताती हूँ। हेलो बाजी, नहीं करें। अब्बा जाओ यार बताओ। इससे बोल दूंगी मैं तुम्हें, इधर आओ। इस रस्सी से ना, इस रस्सी से बोल दूंगा। ओए ये क्या था? ये मीठा। मेरे कुछ सवाल हैं जो मुझे आप लोगों से करने हैं। पहले आप ये बताएं मिस्टर जानी कि आज खाने में क्या पका है। अरे बाबा, खाने से मेरी बीवी के अगवा का क्या ताल्लुक है? भाई ताल्लुक तो कुछ नहीं है, ये तो मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अरे बाबा, आप लोगों का जो पेट होता है ना वो भी अंधे कुएं की तरह होता है, जो कभी नहीं भरता। बच्चू साहब अपना मुंह खोले। अरे बाबा मुंह खोले, तुम पुलिस वाला है या दांत बनाने वाला है? अरे बाबा मुंह क्यों खोले, कैसी माँ मुंह में बैठी है? लेकिन मेरा तफ्तीश करने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। थोड़ा नहीं बाबा, काफी मुख्तलिफ है। ये बताओ कि सीमा को आखिरी दफा कहाँ देखा था? तुम बताओ जानी, तुमने आखिरी दफा सीमा को कहाँ देखा था? ख्वाब में। वाह साई वाह, बेबी इसकी और ख्वाब में तेरे आती है। मेरा क्या कसूर, अब आ रही है तो उससे पूछो ना। अच्छा ये बताएं, उसका घर में किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ था? बाबा उसका झगड़ा तो मेरे साथ होता रहता है, लेकिन आखिरी दफा जो है वो अदा के साथ हुआ था ना। लगता है ये सब कुछ जायदाद के चक्कर में हुआ है, लेकिन बच्चों मैं ये सब कुछ नहीं होने दूंगा। अरे बाबा तो आप क्या करेंगे? मैं भी अपना हिस्सा लूंगा। बाबा अरे बाबा, मुझे नहीं पता कि मेरी सीमा कहाँ है, किसने अगवा किया है, लेकिन मैं पता लगा लूंगा। वो भला कैसे? रुको गूगल पे चेक करता हूं। भाई तुम सब सीधे खड़े रहो। सर गलत साइड खोल दी। भाई चुप कर रहे हो तुम, सीधे खड़े रहो। यार एक दो दिन से गली का माहौल कुछ अलग नजर आ रहा है, खट्टा मीठा हाउस में कुछ हलचल सी है। सही बोल रहा है मानी भाई, मैंने भी दो तीन दफा पुलिस को अंदर जाते हुए देखा है। अबे पुलिस तो लॉकअप करती है, पुलिस थोड़ी अंदर जाती है, क्या हो गया तुझे? अबे कैसी बातें कर रहे हो मानी भाई, मेरा मतलब है कि मैंने बंगले के अंदर पुलिस को दो तीन दफा आते जाते देखा है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अबे यार पप्पू, तू पता कर, तू मोहल्ले की दाई है यार। कैसी बातें कर रहे हो, मैं कोई दाई वाई नहीं हूँ, मैं खानदानी आदमी हूँ। अबे तो क्या हम मैदानी हैं क्या, हम मैदान में पैदा हुए हैं क्या? अबे हम भी खानदानी हैं, पता कर ले क्या हो गया, नाराज क्यों हो रहा है? मानी भाई शायद आपको पता नहीं है, हमारे खानदान में बड़े बड़े आदमी पैदा हुए हैं। वाह वाह भाई वाह, माशाल्लाह क्या बात है तुम्हारे खानदान की। अबे हमारे यहाँ तो बच्चे ही पैदा होते हैं, तुम्हारे यहाँ इतने बड़े हो जाते हैं? अरे कौन सा बड़ा आदमी पैदा होगा तेरे खानदान में? अरे मेरे दादा को ही ले लो। अबे क्या दादी ने छोड़ दिया क्या? अरे दादी तो कब की मर गई। अबे तो हम क्यों ले लें, हमारे पास अपना दादा है, क्यों दे रहा है? अरे तो मेरे पास कोई एक्स्ट्रा दादा नहीं है। बे यार मैं तो मिसाल दे रहा था। तो हम कब कह रहे हैं कब्रिस्तान से लाकर दे रहे हो? जाओ इसे यार मानी भाई। अबे भाई किस किस्म की फजूल बहस में पड़ गए हो तुम लोग। अबे भाई मैं ये कह रहा हूँ सीन पता करो, सीन क्या चल रहा है खट्टा मीठा हाउस में। बात तो तुम सही कर रहे हो मानी भाई, मैं तो कहता हूँ सनी से मालूम करवा लो, वैसे ये खोज लगाने का माहिर है। तुझे कैसे पता?
लो कर लो बात। बोला तुझे कैसे पता? अभी कल की बात है, इसके बाप का पता नहीं चल रहा था, इसने सिर्फ मिनटों में अपने बाप का पता कर लिया। अबे यार तभी मैं तुम लोगों के साथ नहीं बैठता। अबे भाई, अबे अबे रुक जा, अबे नाराज नहीं हो मेरी जान, आजा आजा मेरा भाई, नहीं बैठ 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 बैठ, तू बैठ। मैं मजबूर हूँ, मुझे शक की बुनियाद पर तुम दोनों बहन भाइयों को गिरफ्तार करना होगा। लेकिन बाबा हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो बेकसूर हैं। इसका फैसला तो अदालत उज्मा करेगी। अरे बाबा इतने बड़े फैसले औरतों पे थोड़ी छोड़ दें, उज्मा तो पहले इतने घर तोड़वा चुकी है। ओ बीबी मैं कोर्ट की बात कर रहा हूँ। अरे बाबा सही, मैं कोट तो पहनता नहीं हूँ, सलवार कमीज से काम चलेगा। बकवास बंद करो और चलो मेरे साथ थाने। असल मात्रा मैं आपको बताता हूँ। जारी, रुक जाओ, मैं बताऊंगी। अरे बाबा सीमा, तुम जिंदा हो? क्यों, तुमने बिरयानी का ऑर्डर दे दिए थे? नहीं बाबा, जर देखा बाबा, मेरा मतलब है तुम कहाँ चली गई थी? चली नहीं गई थी, मैंने अगवा किया था, मैंने। अरे बाबा इसको अगवा करके लेके गए तो फिर वापस लाने की जरूरत क्या थी? तोबा तोबा तोबा, मेरी बाप की तोबा। अरे बड़ी खचीन लड़की है ये दिला दो, वो दिला दो, वो सारा दिन में इसने मुझे कंगला कर दिया। चलो फिर बंदुआएं दे रही है, डांट रही है, और मेरे प्यारे बच्चे को मार मार के इसने अस्पताल में दाखिल करा दिया। भालू दादा, करना क्या था और क्या कर दिया आपने? अच्छा हुआ आपके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अरे लानत भेज तो वैसे करने पड़ने पे, ये तेरा एडवांस था, ये रहा। और हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दे, आइंदा मुझे फोन नहीं करना। अच्छा तो ये जो प्लान था वो जानी का था, लेकिन प्लान तो अच्छा था, कैंसिल कैसे हो गया? कैंसिल नहीं, फेल। हाँ वही फेल, फेल। असल में मैंने भालू दादा को जरीना को उठाने को कहा था, लेकिन वो अंधा सीमा को उठा के लेके चला गया। ओ अच्छा, बेखराब आप एक काम करें, यहीं खड़े हो, मैं आपके लिए गर्म गर्म दूध पत्ती टाइट सी बना के लाता हूँ। अरे बाबा तुम क्या कर रहे हैं? इस घर का मालिक मेरा अदा है और उसकी मालिक मैं हूँ, मेरे साथ ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। अरे बाबा छोड़ो इसका हाथ, अबे थोड़ा छीनने नजर नहीं आना, चल शाबाश निकाल, तू भी निकाल। बाबा हमारा प्यार सच्चा है, कभी आपने पता किया कि उसको भी प्यार है आपसे? हमेशा अपनी शक्ल की तरह को मनहूस खबरी लेके आती हो तुम। पागल तो होगा वो बेचारा, कहता है सीमा मुझे टाइम ही नहीं देती। क्या यही सब करने के लिए तुमने मेरे अदा से शादी की थी? चौकीदार है बाबा, हमने तो तुम्हें कभी नहीं देखा है चौकीदारी करते। ओए हम चुप कर चौकीदारी करता है, सामने आकर चौकीदारी करेगा तो चोर को कैसे पकड़ेगा? बाबा इसमें से तो खुशबू आ रही है, लगता है कोई चमड़े का गिफ्ट है बाबा। ओह माय गॉड, आपने कैसे गेस किया? अरे बाबा चमड़े की खुशबू आ रही। इम्प्रोवाइज नहीं, मतलब क्या है बट्टा सट्टा, जोनो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा।